कैफे ग्रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। वाजी वाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज जो फजल भाई इतना जल्दी उठ गए, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में मैंने जल्दी उठना होता है, क्योंकि नहा के रेडी होकर नमाज वगैरह पढ़ने जाना होता है। तो ये है कि अब तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है, तो अभी तकरीबन मैं रेडी हो चुका हूँ। अब ये कि नाश्ता वगैरह करना, नाश्ता रेडी हो रहा है, तो फिर जुमे के लिए निकलना है। और आज माशाल्लाह देख लें, मौसम भी बड़ा जो है वो खूबसूरत है और बड़ी ठंड पड़ रही है। कल क्योंकि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद जो है वो सूरज निकला था, लेकिन सूरज जो है वो फिर अपने दाते दुश्मनी पे निकल आया कि यार बस बहुत हो गया। तो आज मेरे सामने ना एक आयत लिखी हुई आ रही है, बल्कि तुम्हें आप लोगों को शेयर करें पढ़ाई के वाले पे। तो ये लिखा हुआ है, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अपने रब के नाम से पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए किसी भी काम का जिसने हमें पैदा किया। तो ये कि आज का जुमे का दिन है, आप सबको जो है मुबारक हो। तो अब मैंने निकलना है नाश्ता करने जाके, तो फिर इंशाल्लाह नमाज के लिए निकलना है। तो तब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बहुत पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। इससे होता है कि कोई भी वीडियो शॉर्ट अपलोड होती है फौरन जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये कि इंशाल्लाह अब जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर जुमा पढ़ने के लिए निकलना, फिर इंशाल्लाह जो भी आज एक्टिविटी होती है वो फिर ऐड करते हैं। A few moments later. One hour later. A few inches later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह पढ़ ली थी, नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गए हैं। कब्रिस्तान से होके जो है वो मतलब अब्बू अम्मी की फातिहा वगैरह पढ़ी है, नाना अबू नानी माँ जितने भी मरे, मतलब दाद को नानकों में से जो भी मतलब हमारे मरहूमीन हैं उनकी सबकी बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा पढ़ी है और सबको सलाम करके आए हैं। तो बस ये कि अभी घर पहुँचा हूँ, बच्चों का टाइम हो रहा है अकेडमी का, तो मैंने कहा चलें क्लिप पे गेट कर लें। और सर्दी जो है वो माशाल्लाह फील हो रही है, कल जितनी मतलब हल्की सी धूप निकली थी, मौसम थोड़ा सा ना टेम्परेचर ज़रा बेहतर हो गया था, तो उसके साथ ही जो है वो आज सुबह धुंध भी काफ़ी थी और अब जो है मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। तो मैंने तो मतलब चादर मफलर जैकेट वगैरह और ग्लव्स वगैरह साथ रखे हुए हैं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को कवर अप करना चाहिए, बजाय इसके कि कल को आप अपने ऊपर मेडिसिन के पैसे लगाएं, इतना कुछ करने के बाद ये चीज़ें करें तो बेहतर है कि पहले आप मतलब कर लें। तो ये कि अब अकेडमी का टाइम हो रहा है, 2 बज चुके हैं, तो नीचे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो उनको पढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी होती है वो ऐड करते हैं। 3 hours later. हाय, आज तबीयत जो है वो काफ़ी मतलब सुस्त हो रही थी और सर्वे भी काफ़ी दर्द था, तो मैं ना मतलब 2-3 ट्यूशन पढ़ाई हैं, तो मैं फिर ऑफ करके घर आ गया। मेडिसिन वगैरह खाई है, हाय। तो ये कि बाकी सारी ट्यूशन ऑफ कर ली, मैंने कहा चलें या मैं संडे को कवर कर लूँगा या कोई बात नहीं, एक वीक में एमरजेंसी छुट्टी हो जाती है। तबीयत काफ़ी नफाज थी, तो मैं बस अभी तकरीबन 5:30-6 बजे हैं, तो मैं अब घर आ गया हूँ। तो ये अब नमाज वगैरह पढ़नी है, नादली भी साथ है, तो आए उससे भी बात करते हैं, वो भी उससे भी काफ़ी सर्दी लग रही है। नादली सर्दी लग रही है, हैं? हाय हाय, जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। हाय, नींद आ रही है, ठंड लग रही है आपको? नींद आ रही है। नींद कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? नादली कहता जी आपने चादर ली, मन का यार मुझे जब सर्दी भी लग रही है और सर में दर्द हो रहा है, मैंने इसलिए लिया था, मैंने भी लेनी है, तो मैंने फिर इसको दूसरी चादर ला के दी है, मैंने अंकल की पहनी हुई है। तो ये कि
ये सिनेरियो था आज, क्योंकि जुमातुल मुबारक भी था काफी, मतलब मुबारक दिन होता जुमे का, तो आज सर्दी भी काफी थी, कल जितना मतलब धूप निकली हुई थी आज उतनी जो है वो सर्दी पड़ी है। बस ये कि अभी तबीयत ना साथ है तो कुछ खाते पीते हैं साथ और थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग ऐड करते हैं। 2000 years later. आप क्या मस्तियां कर रहे हो? छोड़ रहे हो? यहाँ बैठो। अच्छा आप बताओ कि आपने जो है वो बेड के ऊपर चाय गिराई है? हाँ। कैसे गिराई? जी मैं बिल्कुल जब जैसे ही घर आया हूँ तो नाजुली जो है वो चाय में ना रस डाल के खाता ही, तो चाय रस खा रहा था तो साथ ही कोई बात हुई है तो इसने ना बेड पे जब वो चाय रस गिरा दिए, है ना नाजुली? ऐसे ही है ना यार, आपको शर्म तो नहीं आती? आती है। वहाँ पापा ने लेटना होता है और आपने वो चाय रस गिरा दिया वहाँ पे। ये चादर किसके लिए है आपने? मेरी है। बड़े पापा की। मैंने बड़े पापा की ली है और आपने मेरी ली हुई है। नहीं बड़े पापा की भी है, ये आपकी है। हाँ जी ये मेरी है। नहीं ये बड़े पापा की है, ये आपकी, ये मेरी है। ये बड़े पापा की है। ये दोनों बड़े पापा की है, ठीक है? ये दोनों आपकी है। चलो फिर चलो पापा के पास चले, क्योंकि यार मैंने अब कुछ खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई थोड़ी सी खाई है मैंने, अब फिर कुछ खा पी ले और साथ मेडिसिन खा लें तो फिर इंशाल्लाह करनी है, हैं? चलो उधर नाजरी नखरे कह रहा है तो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। A few moments later. नादली को खेलना बिल्कुल नहीं आता। चलें जी, आउट हो गए, 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 आउट हो गए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब तबीयत काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो, खाना शाना खाया, चाय वगैरह पी है तो फीलिंग मच बेटर। तो ये कि बस सर्दी जो है वो लग गई थी, हालांकि मैं तो बड़ा कवर होकर जाता हूँ लेकिन आपको पता सर्दी एक ऐसी चीज है कहीं से भी वो मतलब अंदर चले जाती है या कहीं ना कहीं जो है वो हवा और वो हो जाता है, लेकिन बाकी ये है कि मौसम इस तरह का है तो अल्लाह पाक जो है वो सब पे रहमत करे, अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है बारिश का सीन हो ताकि नजला तो काम खांसी वगैरह जो चीजें ना ये मतलब बेहतर हो जाए। तो मुझे भी जो है वो खांसी काफी मतलब ज्यादा हो रही है एक दो दिनों से क्योंकि मौसम इस तरह का है। बाकी ये कि मेडिसिन वगैरह खाई है तो थोड़ा सा आराम की है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक जो है वो मैं बहुत अच्छा और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये है कि आज की जो रूटीन है सारी वो आप लोगों के सामने है। जुम्मतुल मुबारक आपको पता है कि एक बड़ा अच्छा और ब्लेस्ड डे होता है, इसमें मतलब नमाज पढ़ने जाना होता है। वैसे तो नमाज आम रूटीन में मैं डेली पढ़ता हूँ लेकिन एक फ्राइडे की एक और ही मतलब खासियत होती है क्योंकि मतलब घर से रेडी होकर टाइम पे निकलना, इमाम बार का जाना, वहां जाके जो है वो नमाज पढ़ना, उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाना होता है अम्मी अब्बू को सलाम करने, उनकी फातिहा खाने के लिए, और भी जितने भी मरहूमिन होते हैं मैं सबके लिए जाता हूँ। अच्छा एक स्पेशल चीज जो आज मेरे मतलब जहन में आ रही थी कि अम्मी के साथ अब्बू के साथ जो कब्र है ना वो मेरी फुप्पो की है, तो क्योंकि मेरे अब्बू इमाम बारगाह हैदरे करार के जो है वो ताहिया जनरल सेक्रेटरी थे और जो मेरी फुप्पो है वो ना खवातीन की सदर थी, तो वो भी माशाल्लाह मतलब ताहिया सदर ही रही है। तो जैसे मेरे अब्बू का एक हमारे मतलब खानदान में मर्दों में एक बड़ा नाम था, तो मतलब मेरे अब्बू के नाम से हर कोई बंदा जो है वो मतलब डरता था, और माशाल्लाह मेरे अब्बू का एक बड़ा मकाम था, उन्होंने अदादारी के हवाले से बड़ी स्ट्रगल की हुई है फैसलाबाद में ना, तो उनके पूरे पाकिस्तान में मतलब बहुत चाहने वाले हैं। तो क्योंकि अब्बू की जब डेथ हुई थी तो कराची से मुझे एक दो फोन भी आए थे कि इस तरह मतलब आपके वालिद साहब की, क्योंकि अब्बू का नंबर मैच ला रहा था तो मुझे कॉल वगैरह आई थी उनकी कि आपके अब्बू के मतलब वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे शाह साहब थे, चाहने वाले थे, मौला के बड़े अदादार थे, तो उस हवाले से वो मतलब कौशल की। जो मेरी पुप्पो हैं वो भी इसी तरह जिस तरह मेरे अब्बू मर्दों में मतलब थे, बड़ा एक मकाम रखते थे इमाम बारगाह में आजादारी के हवाले से, इसी तरह मेरी जो पुप्पो मरहुमा सैयदा रेहाना अरफ बुखारी हैं तो उनका भी एक बड़ा मतलब मकाम है। तो मौला पंचन पाक मेरे अब्बू के, मेरी पुप्पो के, मेरी अम्मी के और जितने भी मेरे मतलब दादा बू दादी अम्मा नाना बू नानी अम्मा और जितने भी फैन भाई हैं मतलब जो दुनिया से चले गए हमारे बुजुर्ग, अल्लाह मौला पंचन पाक उन सबके जो है वो दर्जात बुलंद करे और उन सबके लिए जो है वो आसानियां करे। बेशक जो मौला का मानने वाला होता है, मौला का अदादार होता है ना, अब उनके दर्जात बुलंद होते हैं, तो फिर भी जो है उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करनी चाहिए। जो छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो ये है कि इसलिए मगफरत की दुआ करते रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो था, मन कर चले व्लॉग एंड करना साथ ही क्लिप एक ऐड कर लेते हैं। तो बाकी ये है कि नादली की बहन मेरे साथ है किंदा, तो आए किंदा से भी हालचाल पूछते हैं, और वो काफी देर से कह रही थी कि जो है ना मुझे व्लॉग मिले। नादली जो है वो बाहर सना के साथ क्रिकेट खेल रहा है, वो मैंने स्टार्ट में थोड़ी सी वीडियो जो है वो ऐड की है, तो
भाई गिंदा से बात करते हैं। जी गिंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? तो अपना बताएं, स्टडी कैसी जा रही है आपकी? ओरल पेपर है। किस चीज का? इंग्लिश और उर्दू का। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं भी 2 में हूं, 3 में हूं ना। वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये हमारी बड़ी प्यारी और क्यूट बच्ची है, और ये 2 में पढ़ रही है, इसमें 3 में होना है। हां जी सही है। तो आप स्कूल चेंज कर रही हैं? अब कौन से स्कूल में जाना है आपने? लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर यही स्कूल है जहाँ मैं व्लॉग बनाता हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे मैं डेली तकरीबन ऑलमोस्ट जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बाहर पार्क वाली साइड पे, तो वहाँ पे लिटिल मास्टर स्कूल है, वहाँ पे इसमें जाना है। और वो माशाल्लाह काफी मतलब पुराना स्कूल है, क्योंकि हसन एहसन, हाँ जी, ग्राउंड में हसन एहसन और मेरी मिसिज जो सना है वो भी वहां से ही पढ़ी है। तो बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा पुराना स्कूल है, तो उसका मतलब यार भी अच्छा है, स्टडी भी उसकी अच्छी है। तो आपने उधर जाना है? सही हो गया, ठीक हो गया। तो बाकी आप अरबी पढ़ने जा रही हो, सपारा आपका कहाँ तक पहुंच गया? मैं तीसरे पे हो गई, माशाल्लाह, वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और बाकी घर के मामला, बाकी स्कूल वगैरह, माँ बापा सारे ठीक ठाक हैं? टीचर्स भी ठीक हैं आपकी? तो ये तो नादली तो स्कूल नहीं जा रहा, उसका देखते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत इस तरह की हो गई थी पीछे, तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि इसको 1-2 माह भी स्कूल नहीं भेजना। तो अभी देखते हैं, 1 महीना हो गया, डॉक्टर को दोबारा चेकअप करवाना है अंकल ने, तो जैसे वो डॉक्टर कुछ कहेंगे फिर इसका भी स्कूल जो वो चेंज करना है किंदा के साथ। ठीक है ना किंदा, ऐसे ही है? सही है सही है। अच्छा तो आप मेरे व्लॉग वगैरह देख रही हैं, कैसे लगते हैं आपको? अच्छा किंदा मेरे स्पेशल यूट्यूब पे मतलब शॉर्ट्स रील्स भी देख, शॉर्ट्स भी देख रही होती है, व्लॉग तो लाजमी देखती है अपने मामा के फोन से, और बाकी यूट्यूब पे और सॉरी टिकटॉक पे भी देखती है, ऐसे ही ना किंदा? तो कैसी लगती है आपको? तो आज का व्लॉग आपने मेरा जो मैंने कल लगाया था, जो आज व्लॉग मतलब लगाया मैंने, वो कौन सा व्लॉग है आपको याद है? हाँ जी, अच्छा नहीं उसमें मतलब क्या चीज मैंने दिखाई हुई थी, क्या बताया उसमें? वो इब्राहिम की जो आपने गाड़ी की लगाई। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, जो मैंने आज व्लॉग लगाया उसमें इस तरह है कि कल क्योंकि इब्राहिम लोगों की तरफ गया था, तो वो उसका भाई है छोटा यूसुफ, तो उसकी मतलब एक गाड़ी उसके अब्बू ने जो है वो भेजी थी, तो वो माशाल्लाह उसका जो है वो सारा मतलब उसमें इंट्रो करवाया, और वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कार है वो बच्चों की ना, तो लेकिन ये कि बड़ी अच्छी मॉडिफाई उन्होंने की है। तो किंदा वही देखी आपने? सही है सही। हाँ जी मैं भी, जाहिर सी बात है वो गाड़ी तो बच्चों की थी, लेकिन मैंने कहा चले हम भी उस पर जो है वो मतलब थोड़ा सा बैठ के देख लें, लेकिन बड़ा मुश्किल में एडजस्ट हुआ था, लेकिन बस क्योंकि एक हल्का सा शॉर्ट ही मतलब एक ऐड करना था, एक क्लिप ऐड करना था, इसलिए मैं उसमें बैठ गया। तो किंदा कैसा लगा व्लॉग आपको? बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा आप मेरे मतलब जो मेरे फैन है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मेरे चाहने वाले, उनको क्या मैसेज देंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहेंगी? कमेंट करें, वेरी गुड जी। ये मेरी माशाल्लाह नादली की बहन किंदा बड़ी प्यारी अच्छी बच्ची है, तो बच्चियां आपको पता है बेटियां माशाल्लाह वैसे ही अच्छी होती हैं, तो नादली जो है वो तो हमारा वैसे शहजादा बदमाश है, तो उसको व्लॉग में भी नहीं लिया, वो बाहर क्रिकेट खेल रहा है, वो शोर बहुत करता है, तंग करता है, लेकिन किंदा माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी है। तो ये कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, 44% लोग जो है ना वो अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। हाँ जी किंदा क्या करी? एंड तो अब ये इंशाल्लाह थोड़ी देर तक देखते हैं, क्योंकि रेस्ट मैंने कर ली थी, अब कोई एक्टिविटी देखते हैं कुछ क्या करना है, कोई और काम है तो वो देख लेते हैं, लैपटॉप 1-2 काम करने मैंने, तो मोबाइल का डाटा उस पर ट्रांसफर करना है। तो तब तक ये है कि आपसे इजाजत चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए व्लॉग के साथ, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके किंदा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर।